हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने एसपी कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में BRISP की लॉन्चिंग की। इस मौके पर उद्योग मंत्री ने जिला पुलिस बद्दी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे लिए गर्व की बात है। प्रोजेक्ट BRISP के माध्यम से पुलिस उद्योगों, उद्योगपतियों, कामगारों, महिला कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। कोई भी इंडस्ट्री तरक्की करने के लिए कुछ एक मापदंड ये रहते हैं कि वो एरिया सेफ हो सके। उसी के मद्देनज़र हमने इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्लान आज रिलीज़ किया, जिसमें इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, पैरामीटर सिक्योरिटी, यूनिट की सिक्योरिटी, वहाँ पे जो कामगार काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेबर की सिक्योरिटी, महिलाओं की सिक्योरिटी, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई सिक्योरिटी, साथ साथ हमारे यहाँ पे यूनियंस हैं उनके भी कुछ इशूज़ रहते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट की सिक्योरिटी, तमाम पहलू हमने इस प्लान में कवर किए हैं। हमारे ये प्लान हमने कोलैबोरेशन BBNI और BBND और NIA के साथ मिलकर बनाया है। एक एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट है। आशा रहेगी कि सारे स्टेक होल्डर्स हम मिलकर काम करें और अपनी इस BBN क्षेत्र को सेफ और सिक्योर बनाने में हम एक प्रयासबद्ध हैं। जैसा कि सर फोर लेन का काम शुरू, मुझे तो ट्रैफिक को लेकर क्या गुस्सा है? देखिए, हम सब जानते हैं कि कुछ समय की बात है, यहाँ पे 25,000 प्लस के आसपास रोज की मूवमेंट रहती है। हमारा नालागढ़ बत्ती क्षेत्र एशिया के सबसे बड़े ट्रैफिक हब्स में से एक है, यूनियंस में से एक है, ट्रैफिक इश्यूज रहे हैं, लेकिन जब फोर लेन का काम यहाँ पे चल रहा है और जब संपन्न हो जाएगा, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स ईज मिलेगी। हमने बद्दी के लिए और नालागढ़ के लिए जो टाउन क्षेत्र है, इनके लिए ट्रैफिक प्लान ऑलरेडी बनाकर रखा है, जो हमने लास्ट टाइम आपसे शेयर भी किया। फोर लेन में हमने 2 रिजर्व्स एक्स्ट्रा लगाई हैं। हमने 2 गाड़ियाँ NH से डिमांड की हैं कि आप हमारे को एमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स प्रोवाइड कराएँ। हमारी अपनी पेट्रोल, 2 पेट्रोल दिन रात यहाँ लगी रहती हैं। कुछ समय के लिए हो सकता है कि थोड़ी सी इश्यूज आए, लेकिन हम एक दिन, एक पल, एक मिनट भी ट्रैफिक रुकने नहीं देंगे। जहाँ पे भी पुलिस की रिक्वायरमेंट होगी, एमरजेंसी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी, वो तुरंत होगी। सर, आजकल जो BBND है, इसमें साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए? देखिए, साइबर क्राइम सिर्फ BBND की प्रॉब्लम नहीं है, BBN की प्रॉब्लम नहीं है, ये पैन हिमाचल, पैन इंडिया प्रॉब्लम है। हमारी एक आइडेंटिटी है, हम सबको मानना पड़ेगा, फिजिकल आइडेंटिटी और वर्चुअल आइडेंटिटी। ये कंपनी हो, इंडस्ट्री हो, या व्यक्ति हो, कोई महिला हो, पुरुष हो, हमें अपनी आइडेंटिटी को सिक्योर करना, हमें अपने फाइनेंसिस को सिक्योर करना। हम इसमें समय समय पर जागरूक भी करते रहते हैं, और लकली BBN बत्ती पुलिस की जो टीम है साइबर की, वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस क्षेत्र की, 90% से ऊपर हमने साइबर क्राइसिस क्रैक किए हैं। इसमें